नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक वजीर आजम की फिर अदलिया पर तनकीद, कहते हैं एक ख्याली तनख्वाह को मेरा असासा बनाया गया, नहीं पता मुल्की खजाने को क्या नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ का आज फिर शाहाना प्रोटोकॉल, एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तायुनात, लीगी रहनुमा और कारकुन भी मौजूद। पेशी के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस में बैठक लगाएंगे। सियासतदानों को अदालतों की चिटकी जरूरत नहीं होती, 28 जुलाई का फैसला पूरी दुनिया में मजाक बना, इदारों को आईन के तहत काम करना चाहिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं एटमी पाकिस्तान बनाने वाले नवाज शरीफ आज अदालतों में खड़े हैं, साबिक वजीर आजम सुरखुरू होकर निकलेंगे। शरीफ फैमिली के असासों की छानबीन के लिए बरतानिया जाने वाली नैब टीम वतन वापस पहुंच गई, वजीर आला पंजाब की भी लंदन से वापसी। बेगम कुलसुम नवाज ने जावेद हाशमी की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी, हाशमी भाई हैं, वापसी का खैर मकदम करूंगी। नवाज शरीफ को जवाब, पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। जरदारी का कारकुनान से राबते तेज करने का फैसला, आज कराची, उमरकोट, रतुडेरू समेत सिंध के 10 शहरों में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सेनेट को बंद कमरा ब्रीफिंग देंगे, सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरीकी पॉलिसी के खत्ते के असरात के बारे में बताएंगे। कराची के इलाके सच्चल घोट में फायरिंग, मोहम्मद एजेंसी के बहन भाई कातिल, दोनों को दो दो गोलियां लगी, लाशें अस्पताल मुंतकिल, पुलिस के मुताबिक रिश्ते के तनाजे पर कत्ल किया गया। डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट के करीब रिमोट कंट्रोल बम फटने से धमाका, 5 अफराद जख्मी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, खजदार, खैरपुर, सक्खर समेत कई शहरों में बारिश, क्वेटा और गिरदोनवाह में मौसम मुकम्मल अबर आलूद, लाहौर का मतला साफ, कराची में भी सर्द हवाएं। पाकिस्तान और चीन का करेंसी स्वीप मुआहिदा बहाल करने का फैसला, चीनी ताजरों को पाकिस्तान में युआन और पाकिस्तानी ताजरों को चीन में रुपया इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, तीसरे मुल्क की करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अमेरिका का एक बार फिर डूम मोड का मुतालिबा, ट्रंप का कहना है हर साल करोड़ों डॉलर देते हैं पाकिस्तान को, दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला को कार्रवाई करना होगी, नई अमरीकी कौमती सलामती पॉलिसी का ऐलान। मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत बनाने के अमरीकी फैसले के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद को अमरीका ने वीटो कर दिया, 14 ममालिक का करारदाद के हक में वोट, सिर्फ अमरीका की मुखालफत, साबित हो गया अमरीका इसराइली लॉबी का हिस्सा है, ईरानी सफीर का रद्द अमल। और जनूबी यूरोप के मुल्क अल्बानिया की असेंबली में ऑपोजिशन ने स्मोक बम फेंक दिए, ऐवान में धुआं ही धुआं, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।